वेलकम है आपका हमारे चैनल पर माइवनी सॉल्यूशन पर। आज की जो वीडियो है वह है MMPC 008 पर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप MMPC 008 के क्वेश्चंस के जो आंसर है कहाँ से और कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको असाइनमेंट्स बनाने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, यानी कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें असाइनमेंट्स बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है, सोचते हैं कि कहाँ से वो आंसर लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। और जो जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं असाइनमेंट और आपको नहीं मालूम कि क्या इग्नू की गाइडलाइंस हैं, और बिना जाने और आप असाइनमेंट बना देते हैं या बना लेंगे, तो आपके लिए ही दिक्कत आ सकती है। तो आज के इस वीडियो को पहले अच्छे से समझें, देन इसके बाद आप अपने असाइनमेंट बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, आपको सभी प्रॉब्लम्स और जो डाउट्स हैं सब कुछ यहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जानते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा है MMPC 008, ये 30-24 के सेशन का असाइनमेंट है, जिसमें जैसे अगर आपने जुलाई के सेशन में एडमिशन ले रखा है, यानी जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है, और साथ ही जो जनवरी 2024 में एडमिशन लेने वाले हैं, उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये असाइनमेंट्स। इस वीडियो में आपको आंसर दे रखे हैं और किस तरीके से आंसर लिखना है वो तरीका बताया गया है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर इसके बाद आपके आंसर हैं। तो आंसर लिखने का तरीका और कहाँ से आंसर लिख लें, ये वाला क्वेश्चन जो डाउट था वो यहाँ क्लियर ही हो जाता है, क्योंकि आंसर लिखने का तरीका आपको यहाँ मेंशन किया गया है, यानी कि आपको एक तरीका बताया गया है। अगर आप कोई और से सब्जेक्ट कोड है या फिर कोई और सा कोर्स ले रखा है आपने, तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये केवल असाइनमेंट्स के लिए ही नहीं, एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि जिस तरीके से आपको आंसर लिखना है वो चीज़ भी आप एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको आंसर और क्वेश्चन दोनों दे रखे हैं, तो असाइनमेंट शुरू करने से पहले तो आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड आपको पता है कहाँ से करना है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रही, आप गूगल पे अपने असाइनमेंट सर्च करके, जैसे मैं अभी बता रही थी आपको, यहाँ पर अगर आपने अपने असाइनमेंट डालते हैं तो आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिए, देन इसके बाद आपको कई सारे प्रोग्राम्स दिख जाएंगे। अगर आप मास्टर्स के हैं, यानी MA के स्टूडेंट्स हैं, या बैचलर के, या डिप्लोमा कोर्स है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स को ओपन करके आप अपने सब्जेक्ट कोड, यानी जो आपका सब्जेक्ट है वो ओपन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी आइए हम वापस जाते हैं अपने PDF पर। तो यहाँ आपके सॉल्यूशन है, उसी के चलते चलते स्टूडेंट्स हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2, देख सकते हैं। देन इसका आंसर जो है आपको उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से यहाँ पर दे रखा है। अगर आप यहाँ से आंसर लिख रहे हैं तो आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, और साथ ही इसमें स्टूडेंट्स अपने वर्ड्स का भी यूज़ करें। अगर आप यहाँ से लाइक कॉपी करते हैं तो एक एग्जामिनर वो खुद समझ जाएगा, किसी टीचर या किसी एजुकेटेड पर्सन ने ही लिखा है, इसीलिए आपको क्या करना है, इसमें अपने वर्ड्स को ज़रूर ऐड करना है। बाकी स्टूडेंट्स आप यहाँ से इस वीडियो को फ्री में देखकर बना सकते हैं। बाकी बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी दो चीज़ों को साथ में मैनेज करते हैं, वो यह है साथ में स्टडी भी और साथ में अपना जॉब। आज के इस टाइम पर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपना बिजी शेड्यूल की वजह से असाइनमेंट नहीं बना पाते। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, कोई हाई कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं और फिर जब असाइनमेंट की बारी आती है वो बीच में स्किप कर देते हैं। वो सोचते हैं कि असाइनमेंट क्या होता है इग्नू में, कि वो सबमिट करनी ही होते हैं, क्योंकि असाइनमेंट के जो स्टूडेंट मार्क्स होते हैं वो एग्ज़ाम में इंक्लूड होते हैं। जब असाइनमेंट की बारी आती है वो कोर्स को बीच में छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं या फिर आप भी करते हैं, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि कभी ऐसा ना करें। आपको अगर असाइनमेंट्स नहीं बना पा रहे तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपके ये डाउट्स भी क्लियर होते हैं। अब आपके पास टाइम नहीं है, असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, तो हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
व्हाट्सएप नंबर में वीडियो के लास्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर दे रखा है, वहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट हो रहा है आप मेंशन कीजिए, देन इसके बाद आप हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी दोनों आप ले सकते हैं। चाहे आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। देन इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। अगर हम बात कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट की, हम अगर स्टेट को बात कर रहे हैं, हाँ तो हमारा आईजी दिल्ली टू भी, ठीक है, दिल्ली टू क्यों कोई नहीं हो सकता है, ठीक है, ये हमारा है। ऐसे ही हमारा एक क्वेश्चन है जो वाला आप इंटर स्टेट होती है उसको बात कर रहे हैं, अदर स्टेट आईजी चल रहा है हमारा अदर स्टेट, हम उसको बोलेंगे इंटर स्टेट। अगर सेम स्टेट उसको बोलेंगे इंटर, ये हमारा इंटर होगी। सेम स्टेट तो हमारा इंटर होगा, अगर अदर स्टेट तो इंटर रहेगा आपका, तो इसमें क्या है तो जी इंटर होते हैं अदर स्टेट को, हाँ। और जो हमारा अगर दिल्ली सिटी है, दिल्ली सिटी हम दिल्ली को सेव कर रहे हैं किसी दिल्ली वाले क्लाइंट को, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा जो ये असाइनमेंट था यहाँ तक पूरा होता है। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और स्टूडेंट्स अगर कोई भी डाउट्स है जो आपके मन में अभी भी हैं तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे माइग्नू सॉल्यूशन पर MMPC के अलावा और भी वीडियोस डली हुई है, अगर आपको उस वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है यानी जानना है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स और वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट कोड पे चाहिए वो चीज़ भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। देन इसके बाद स्टूडेंट्स आपको सब क्वेश्चंस के जो भी थे आपके मन में, जो एक एज आ स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आते हैं वो सब क्लियर हो चुके हैं। अगर अभी भी ये कुछ है जो नहीं समझ आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको असाइनमेंट्स बनवाने हैं तो किस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8130208920 पे आप हमें व्हाट्सएप करके अपने असाइनमेंट बनवा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे यूँ ही बने रहें। इसके अलावा आपको कहीं किसी चैनल या किसी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको माइग्नू सॉल्यूशन पे ऑल इग्नू के सॉल्यूशन अपडेट्स इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके लिए हमारे चैनल पे बने रहे और जानते रहे हर वीडियोस की जानकारी।